गाइस, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और मैं बहुत बढ़िया हूँ। कैसी लग रही हूँ बताना। फिलहाल हम जा रहे हैं मदर्स डे स्पेशल। हम, मैं और मम्मी दोनों जा रहे हैं मार्केट एंजॉय करने। बाकी दो लोगों को हमने घर में छोड़ दिया है। हम चलते हैं एंजॉय करके आते हैं। एंड क्या करने चल रहे हैं? चलो आप भी मेरे साथ मार्केट हम जा रहे हैं। तो चलिए मार्केट चलते हैं और फिर मिलती हूँ मार्केट में और दिखाती हूँ हम लोग क्या शॉपिंग करने जा रहे हैं। आपके लिए गिफ्ट हम भी बना रहे हैं। और तब तक मुझे बताना है, मेरी ने ये न्यू शेड ऑफ लिपस्टिक ट्राई किया है। कैसी लग रही है मेरे को ये शेड? मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप बताना। हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। मैं मदर हूँ ना। हाँ, आप भी। मैं भी गर्ल। हाँ, आप भी गर्ल हो। सो गाइस, यहाँ पर हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, मैं और मम्मी, और घर पर छोड़ दिया है बाप बेटी को। पता नहीं दिव्या का कुछ है कि वो मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान करना चाहती है, इसलिए वो आज मार्केट नहीं आई है। तो चलिए आप जाके वो देखिए, तब तक हम पहुंचते हैं मार्केट। मम्मी के लिए मदर्स डे का केक बना रही हूं। कटोरी रख के इसने काट दिया है ब्रेड को। ऐसी तीन लेयर का बनाऊंगी मैं। एक दो, दो का ही बनाओ ना। तीन लेयर का समय बच जाएगा ना। तीन लेयर करेंगे, लेकिन अभी हम तीन लेयर का केक बना रहे हैं, सिर्फ तीन लेयर करेंगे। आपको बस एक छोटी सी ऐसे कटोरी लेनी है, उसको ऐसे रखना है उसपे। छोटे बच्चों को मत देना, उन्हें हाथ से अपना चाकू काट। ये देखो हो गया। नीचे से बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी कभी ट्राई करना ऐसे बनाना, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सो वेलकम टू द ज्वाला हैरी गाइस। सो ये है मेरे यहाँ की ज्वाला हैरी मार्केट। ये बहुत फेमस मार्केट है, बहुत सारे लोग पश्चिम बिहार साइड से जानते हैं इस मार्केट को। वेस्ट दिल्ली वाले बहुत आराम से पश्चिम बिहार को जानते हैं, ज्वाला हैरी मार्केट को जानते हैं। तो सबसे पहले जाते ही मैंने एंट्री पे ही देखी है, 200-200 रुपए के टॉप सेल में लगे हुए थे। पर्सेज सेल में लगी हुई थी, ये साइड्स ये सब देख रही थी मैं। अच्छा, जैसे जैसे आगे पढ़ो कि यहाँ पर ज्वेलरीज की, ये मार्केट बहुत अच्छी है, बट इट्स नॉट, दिस मार्केट इज नॉट फॉर मी। मैं इस मार्केट में ज्यादा नहीं आती क्योंकि मुझे मेरे मतलब का यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। हाँ, आपको कपड़ों को छोड़कर यहाँ पर कपड़े मेरे नाप के नहीं मिलते हैं, ना कपड़े मुझे, ना ही मैंने इतना इसको एक्सप्लोर किया है कभी इस मार्केट को। जनरली मैंने कभी ज्यादा एक्सप्लोरिंग नहीं करी है मार्केट को लेकर, तो मैंने ज्यादा इसलिए मुझे नहीं पता कि मेरे साइज में यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। बट हाँ, यहाँ से जब भी मुझे सूट का कपड़ा लेना होता है या पीसेस लेने होते हैं सूट के, तो मैं जरूर आती हूँ। या मुझे अदर शॉपिंग करनी होती है, जीबू के लिए कोई शॉपिंग करनी है, दीपक जी के लिए करनी है, लेकिन अगर सूट के कपड़ों के अलावा मुझे कोई और शॉपिंग करनी है तो मैं इस मार्केट में जरूर आती हूँ। तो आज मैं आई हूँ अपनी सासू माँ को सूट दिलाने के लिए। तो यहाँ पर मम्मी और मैं देख रहे हैं सूट। तो मम्मी और मैं देख रहे हैं कॉटन का सूट, अच्छे कलेक्शन निकली हुई थी इनकी यहाँ पर। ये जो भैया है सूट वाले, इन लोग की ना बाहर में ही सूट निकले होते हैं। ये सूट सारे 600-700 की रेंज में होते हैं, और ये व्हाइट कलर का सूट बहुत प्यारा था। और मम्मी को भी कुछ ऐसे ही कॉटन में समरी लुक में लाइट कलर में सूट देखने थे, तो मम्मी ने इसी में से कुछ सूट चॉइस करे अपने लिए। अच्छा, यहाँ पर पसंद करने के बाद हम पहुंचे फिर नेक्स्ट शॉप पर। तो वहां पर अगर उनको कुछ समझ नहीं आया तो दोबारा लौट कर हम इसी शॉप पर आए और फिर हमने दोबारा से सूट देखने चालू करे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लाइट कलर में, अच्छा यहाँ पर सब आ सकते हैं, मतलब जो जिनका साइज कम है, प्लस साइज के जो लोग नहीं है, वो आके इनमें से सूट लेकर जाए और स्टिच करवाएं, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत प्यारे वाकई में कलेक्शन आए थे, बट मैं नहीं लेके जाती क्योंकि मेरी सूट इसमें ना पूरे नहीं बनते हैं, मतलब पूरी सूट पूरा कपड़ा पड़ता नहीं है मेरे को, इसलिए मैं ऐसे ऐसे नहीं लेके जाती हूँ। अच्छा, बाकी मैं आगे की तरफ बढ़ गई और मैंने देखे कुछ कॉटन स्टॉल्स, क्योंकि मुझे ऑफिस जाने के लिए कुछ कॉटन स्टॉल्स की जरूरत पड़ती है। तो फिलहाल आपने ये वाला स्टॉल मैंने लिया, मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा मैंने 2 या 3 स्टॉल्स और देखे, कौन सा सूट लिया, कौन सा स्टॉल लिया, वो सब मैं आपको घर जाकर जरूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर 2-3 स्टॉल देखे मैंने, 150-200 रुपए के स्टॉल्स थे, और उसके बाद मैं और मम्मी चल दिए वापस घर के लिए। चलिए आप घर पहुंचते हैं, घर पहुंचकर आपको मिलती हूँ। सो गाइस, वेलकम बैक।
और मैं आ गई हूँ मार्केट से, और इस मदर्स डे के अवसर पे हम मम्मी के लेकर आए सूट। दीपक जी ने बोला प्रिया जाओ मम्मी को सूट दिला के लाओ, सो मम्मी को लेके गई थी, मम्मी के पसंद के सूट दिला के लेकर आई। ये देखो पहला सूट मम्मी का। अबे ये तो पार्टी वेयर कपड़ा है, कॉटन है, मैंने खुद पसंद किया है। मम्मा ने सूट लिया है फ्लावर प्रिंट का, बहुत सुंदर सूट है ये। इसका दुपट्टा है, ये सूट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया मम्मी की। और दिखा दी, मुझे दिखाओ, ऐसे ही मार्केट में चल रहे थे तो मुझे मिल गई, मतलब मेरे पास पैसे नहीं बचे दीपक जी, अदरवाइज मैं और ले लेती दीपू के लिए। 300 रुपए की दो मम्मी, 300 रुपए की दो थी ना पजामा, दो कैपरी, तो ऐसी मैं एक कैपरी लेकर आई दीपू के, पहले साइज भी चेक कर लूंगी इस तरीके से, अगर ये साइज पागल है क्या खाने का, तो मैं कभी भी ला दूंगी। ये रही कैपरी और ये रही दीपू के लिए टी शर्ट, बहुत प्यारी टी शर्ट, अच्छी लगती है बेटा लड़कियों पे सारी टी शर्ट। तो ये टी शर्ट और कैपरी मैं लेकर आई हूँ, अगर ये साइज सही रहा ना दीपक जी, तो 500 रुपए की 3 टी शर्ट दे रहा है और 300 रुपए की 2 कैपरी दे रहा है, हम लेकर आएंगे और अगर ये साइज ठीक निकला तो। पूरी गर्मी अभी 1.5-2 महीने आराम से पहनेगी ऐसे, तो बड़ा सही रहेगा इसका फैब्रिक, गर्मी है और कॉटन है प्रॉपर और लॉन्ग भी है, तो ये बहुत अच्छे से आपको जीन्स टॉप पे अच्छे से चलेंगे। तो एक मैंने ये व्हाइट कलर का लिया था, एक मैंने ये ब्लैक एंड मल्टी कलर में लिया है, ये किसी के साथ भी चल जाएगा, इट्स अ कॉटन दुपट्टा। तो ये 500 रुपए में आ गया, ये 3 स्टॉल्स एंड 300 रुपए की ये दिव्या की आ गई। ओहो तूने बनाया है, आओ मैं उठो भाई, हमारे लिए मदर्स डे पे ये केक तैयार किया है दीपू ने। मैं तो दादी उठो ना, दादी उठो, दादी काटेगी पहले, दादी उठो। मैं आ जाती हूँ, उधर ही आ जाती, रुक जाओ, फूक तो मारो। हैप्पी मदर्स डे, क्लैपिंग तो बजा दी वो। हैप्पी मदर्स डे आउट देयर, जितनी भी माई है सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी मदर्स डे। फैन चला गया, हाथ से खिला दे बेटा। नहीं, सही कर रही। तो फादर कोई मदर से कम नहीं होती ना, तो दिस इज फॉर अनदर मदर्स डे स्पेशल, वेरी नाइस, वेरी लवली, थैंक यू दिव्या, थैंक यू। चलिए जी, तो मैं आ गई अपने किचन में और आपको थोड़े से दिखा देती हूँ। तो ये जब हम मार्केट गए थे तो मेरी हाउस हेल्प एक टाइम आती है, वो शाम को आई थी आज, तो सारे डिश वॉश करके गई है, ये मुझे लगाने हैं। ये मैं कर रही हूँ कल सुबह की प्रिपरेशंस, कल सुबह बनाऊंगी अरबी, तो आधी किलो अरबी है, साथ में 2-3 आलू है, ये बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं, उबल जाएंगे तो सुबह इजी होगी बनाने में हमें। चलिए जी, टू गो, ये हमने चढ़ा दी सुबह की रूटीन के लिए तैयारी, अरबी उबल जाएगी। एक टाइम था मुझे ना रस्से वाली अरबी खाने में बहुत अच्छी लगती थी, बट ये रस्से वाली नहीं बनाऊंगी
एक दिन पहले सारी प्रिपरेशन करनी होती है तो मैं, अच्छा मैंने आपको दिखाया नहीं, सी 10 रुपीज के मेरी टॉप्स लेकर आई, मैं एक्चुअली मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं जल्दी जल्दी में मार्केट चली गई, मैंने कान में कुछ नहीं पहना हुआ था तो बड़ा अजीब लग रहा था कान में कुछ ना पहने हुए। एंड आजकल ना मेरा पर्ल्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ही वो स्टिक हो गई हूँ मैं, मुझे आजकल पर्ल्स बड़े अच्छे लगने लगे हैं। रिसेंटली ऐसा हुआ है कि मेरी चॉइस जो है पर्ल्स की तरफ ज्यादा जा रही है, तो जहां भी मुझे पर्ल्स का कुछ दिखता है ना मुझे, मैं फट से ले लेती हूँ। तो ये भी देखो मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने ले ली, ऐसे ही 10 रुपीज का है, 10 दिन भी पहन लूंगी तो पैसे वसूल है। और ऐसी ऑफ व्हाइट कलर मुझे आजकल बहुत अच्छे लगने लगा है, तो ऑफ व्हाइट सूट लेकर आई थी मैं जब, एक बार याद है। तो रिसेंटली अभी मेरी चॉइस थोड़ी सी एज के अकॉर्डिंग है या आई डोंट नो क्या हो रहा है, बट थोड़ा सा अलग होती जा रही है चॉइस। तो पहले पर्ल्स इतना पसंद नहीं करती थी लेकिन अब पर्ल्स मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे हैं, तो कुछ भी थोड़ा सा ऑफ व्हाइट कलर में या पर्ल्स में या पर्ल वाले मटेरियल में दिखता है तो मैं ले लेती हूँ। तो ये लिया है मैंने अपने लिए 10 रुपए का, नॉट बैड ना, अच्छा लग रहा है, कान भी अच्छे लग रहे हैं उससे। फिलहाल अब बर्तन लगा लेती हूँ। एंड एक चीज के लिए आप, सुबह मैं आपको बता रही थी कि सुबह मैं दाल बनाऊंगी, तो ये देखो किचन का क्या हाल है, क्योंकि आज ना मम्मा ने सारे डब्बे धुलवाए हैं, पता नहीं डब्बे धो के रखे कहाँ, मैं दिखाती हूँ कहाँ रखे। एक मिनट, ये हम लाइट ऑन कर देते हैं पहले, एंड ये देखो ये रहे, मैं वो कहूंगी डब्बे, ये देखो धो के यहाँ रखे गई है मैडम डब्बे। तो एज यूजुअल कि राशन लाने का हो रहा है घर में, तो अभी मम्मी क्या करेगी सारे डब्बे वब्बे धुलवा लेगी, हर महीने हमारे यहाँ डब्बे धुल जाते हैं एंड फिर दोबारा से राशन उसमें भरा जाता है। तो वही दाल वाल थोड़ी सी मम्मी ने निकाल के पन्नी में रख दी अभी कि डब्बे धुलवा लेती हूँ, कल परसों में राशन आ जाएगा तो दोबारा भरना है। ये है गया, नुकसान कर दिया भाई साहब, क्या गिरा, कॉफी की डब्बी टूट गई, ये देखो। यार कॉफी हमने यूज भी नहीं करी थी, कॉफी की डब्बी टूट गई, क्या यार। चलो जी कोई नहीं, नुकसान लिखा था हो गया। मैं आपको दिखा रही थी ये रही लाल मसूर की दाल, दाल कल बनाऊंगी, ज़रा कांच टूट गया गाइस, चुभ ना जाए मेरे को, मैं ज़रा समेट लूँ पहले, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस नाउ इट्स डिनर टाइम, एवरीबॉडी हैज हैविंग अ डिनर, मम्मा ने कर लिया डिनर, कर लिया मम्मी, अच्छा तो मम्मी कर चुकी है एंड बाकी सब कर रहे हैं। मैं अपना डिनर दिखाती हूँ आपको, माय डिनर, वन सैंडविच फुल ऑफ खीरा प्याज टमाटर, पूरा खीरा प्याज टमाटर और हल्दी और दालचीनी का दूध, इसमें चीनी नहीं है, विदाउट शुगर है ये, हल्दी एंड दालचीनी का दूध। सो गाइज इट्स माय पीरियड का day 3 एंड मैं डिनर मार्केट जाने से पहले कर चुकी थी छोले एंड राइस बिल्कुल एक कटोरी, तो मुझे अब लग रही है भूख, तो मैंने ले लिया एक सैंडविच और एक कप दूध, दूध हल्दी वाला लिया है दालचीनी वाला, क्योंकि वो मेरे मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करेगा टू गुड फ्लो, एंड सैंडविच लिया है। तो ये मेरा डिनर है, बाकी सब आज नॉनवेज डिनर कर रहे हैं, इसीलिए मैंने वेज में अपने लिए कुछ बनाया नहीं था अलग से, कल के छोले राइस थोड़े से रखे थे शाम को मैंने, वो मार्केट जाने से पहले खा लिया था, तो मुझे अब भूख लग रही है, चलिए डिनर करते हैं फिर आपसे। हेलो गाइज वेलकम बैक, डिनर विनर सब हो गया है एंड जो चीज मैं आपको दिखाने वाली थी वो क्या है, सी लुक एट दिस गाइज, लुक एट दिस, यस। तो इस स्टैंड को लेकर मैं बहुत रोई थी, आप लोगों को पता है मैं कितना रोई थी, मेरा ऊपर वाला ये टूट गया था। आप में से ही किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि यार प्रिया इसका पार्ट मिल जाता है तो आप वो मंगा लो, अदरवाइज मुझे अब तक ये बात नहीं पता थी, सीरियसली थोड़ी भोंदू टाइप से मुझे लगता है मुझे बैग, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे बस पता होनी चाहिए ना कि इतना बड़ा स्टैंड है तो इसका पार्ट्स भी मिलते ही होंगे, हर बार तुम नया स्टैंड तो नहीं खरीदोगे ना, पर मुझे ये बात लिटरली नहीं पता थी, मेरे पहले वाला स्टैंड भी इसे टूट गया था तो मैंने दूसरा मंगाया था, पूरा का पूरा स्टैंड मुझे नहीं पता था तब भी, बट फिलहाल मुझे ये बात किसी ने वहाँ आप में से ही बताई एंड थैंक यू फॉर दैट। और फिर मैंने भाई साहब उनकी बात सुनकर पूरा YouTube छान दिया कि मैं इस पार्ट को कैसे लगा सकती हूँ, ये पार्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, मैंने पूरा YouTube छान दिया। फिर मैं Amazon पे गई, मैंने वहाँ से ये ऑर्डर किया, ये 100 रुपीज़ के आसपास का था ये, एंड ये आया आज ही, डिलीवर हुआ, संडे है थैंक्स गॉड आज ही आ गया,
और मैंने फिर इसको आज लगाया और ये ना स्टैंड फिट से आ गया, जो इतने दिन से आप लोगों के पास ब्लॉगिंग नहीं आ रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टैंड। कितनी देर तक मैं ये हाथ पे ले लेके ब्लॉगिंग कर रही थी। फिलहाल बहुत अच्छा हुआ कि स्टैंड आ गया, वरना मुझे तो खड़ा हो गया कैमरामैन। तो मुझे किसी को बोलना पड़ता था यार प्लीज ब्लॉग शूट कर दो, ब्लॉग शूट कर दो। तो फाइनली मेरा स्टैंड आ गया। देखो ये बिस पता क्या करते हैं, ये इमोशनल ब्लैकमेल। तू तो मेरी इकलौती है ना इस बार पढ़ाई में, तो पता मेरे अंदर चामुंडा पढ़ाई कर। और देखो मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, मिस्टर सिन्हा सो चुके हैं, 11:15 का टाइम हो रहा है। मैं भी लेट गई थी बट मुझे याद आया कि मुझे आप लोगों को ये बताना है। और ये लड़की देखो अभी तक नहीं सोई है, इसको पता नहीं मुझसे क्या है, मुझसे ही कुछ है। मेरे से ना चिपक चिपक के सोती है, बिल्कुल चिपक के। हम दोनों के बीच में सोएगी, इतनी बड़ी हो रही है, 8 साल की हो रही है, फिर भी मुझे ना इसको देख के कितनी मेरा अपनी बचपन की याद आ जाती है। कि मुझे आज से याद है मैं 7th 8th में हुआ करती थी एंड मैं तब तक भी मम्मी पापा के बीच में सोती थी, मुझे अकेले सोने में डर लगता था। अच्छा मेरे को सुना ले आई हो, तो आप दादी के पास सुलाती हूँ मैं आपको। दादी उसी रूम में सोती है, मेरे रूम में कोई नहीं सोता था तब, तो मैं भी सुबह पे ऐसी सोती थी। तो मुझे अच्छे से याद है सुबह पे सो गई थी मैंने उठाया इनको, तो मैंने मुझे अच्छे से याद है मेरी मम्मी ने किसी को मतलब जो मेरे से बहुत क्लोज थे उनको बोला इसको थोड़ा सा अकल दो, समझाओ कितनी बड़ी हो गई है, मम्मी पापा के बीच में सोती है अभी तक। तो मुझे अब दीपू को देख देख के ना आज मदर्स डे है, थोड़ी मम्मा को लेके मैं इमोशनल भी होती हूँ, हो रही थी। और पर दीपू को देख देख के ऐसा लगता है जैसे मेरा ही बचपन दोहरा रही हो, मेरी ही कहानी मेरी ही बातें दोहरा रही हो सारी। तो अभी मैं देख रही थी कुछ सो गया बट इसको मेरे से चिपक के, जैसे बंदर का बच्चा बंदर से चिपकता है ना, ऐसे चिपक के सोएगी मेरे से। अच्छा दीपू इसको रख के साइड में, एक दिन आएगा एक राजकुमार और लेके चला जाएगा तेरे को। तो चलिए गाइस एक छोटू सा व्लॉग था आज का, कैसा लगा आप लोगों को बताना। फिलहाल के लिए व्लॉग यही ओवर करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई डोंट नो व्हाई बट हाँ बहुत खुश हूँ। मेरे बेटी के बहुत प्यारे प्यारे आप वर्ड्स थे आज मुझे खुश करने के लिए। सो अब ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा एंड व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ, गाइस लव यू ऑल, बाय 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 बाय, गुड नाइट।